कई बार आप लोग देखते होंगे कि प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चंस बन जाता है कि एक जो नई गेहूं की, कोई भी नाम दे देगा आपको, गेहूं की एक नई किस्म है, एक किस संस्था ने बनाया है, या पूछ लेगा कि कोई, जैसे बता देगा कि MACS 6478 ये एक नई किस्म बनाई गई है, एक किसकी है, मतलब किस फसल की है, चावल या फिर सोयाबीन गेहूं, तो इसके बारे में भी आप लोगों से पूछ लेता है। तो ये अभी जो MACS 6478 या फिर 6478, जैसा भी आपको अच्छा लगे याद रख सकते हैं, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST के तहत एक स्वायत्त संस्था है, आगरकर आगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित MACS 6478 नामक गेहूं की किस्म से महाराष्ट्र के किसानों की फसल पैदावार दोगुनी हो गई है। एक तरह से आप कहिए कि किसानों के लिए काफी प्रॉफिट की बात है, क्योंकि आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, और आज भी आप देखेंगे बुंदेलखंड या बघेलखंड का क्षेत्र देखिए, यहाँ लोग क्या करते हैं कि पारंपरिक खेती करते हैं। मेरा पारंपरिक खेती करने का मतलब इतना है कि ये क्या करते हैं कि इस साल जो बीज हुआ, उनकी फसल हुई, उसी फसल में से वो लोग बीज रख लेंगे और आगे उसी की बुवाई कर देंगे। तो आप समझिए कि क्या रहेगी, देखिए फसल की अगर पैदावार बढ़ाना है आपको तो हर साल बदलता रहना चाहिए बीज, नई क्वालिटी जो आ रही है बीज की, उत्पादन क्षमता जो बढ़ाने वाले बीज आ रहे हैं उसको यूज करना चाहिए, उसको बोया जाना चाहिए। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में आप देखेंगे अपना वही जो होता है उसे ही बो देते हैं। तो इसको नाम याद रखिए और इस संस्थान को भी नाम याद रखिए। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोरेगांव तहसील के एक गांव के किसानों को MACS 6478 के उपयोग से 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त हुई है। आप समझ रहे हैं कि कितनी, 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त हुई है। कहने का मतलब है कि एक हेक्टर में 40 से माफ मत करिए 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज हुई है, जबकि पहले लॉक HD 2189 और एवं अन्य पुरानी किस्मों के कारण औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त हुई थी। यानी कि कहने का सीधा सा आप कह सकते हैं कि दोगुना मतलब उपज हुई है, जितना अभी आपके एक हेक्टर में 25 से 30 क्विंटल हो रहा था उतना ही नई किस्म की जो आपका किस्म की बीज आया हुआ है इससे दोगुना उत्पादन हो रहा है। तो आप समझिए किसान की मतलब आय तो दोगुनी वैसे भी हो गई। तो इसे याद रखना है, आप भी अपने क्षेत्र में अगर किसान हैं या कोई भी तो इस तरह के गेहूं का उपयोग जरूर करना चाहिए आप लोगों को। नव विकसित किस्म को उच्च उपज वाला स्टीवॉर्म भी कहा जाता है। गेहूं की यह किस्म 110 दिनों में परिपक्व हो जाती है, ये भी अच्छा टाइम है, कोई 110 दिनों में ये क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। किस्म की गेहूं की यह किस्म पत्ती एवं तने संबंधी अधिकांश रोगों के लिए प्रतिरोधी होती है, ये और बहुत बढ़िया बात है कि आप समझिए प्रतिरोधी कहने का मतलब है कि कोई इस पर आक्रमण करता है, कोई भी कीटाणु लगता है तो ये अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि ये उसे खत्म कर देगी, अपनी सुरक्षा करने में ये एक तरह से आत्मनिर्भर है। एम्बर रंग के मध्यम आकार की गेहूं की किस्म में 14% प्रोटीन, 44.1 PPM और जस्ता और 42.8 PPM आयरन होता है, जो कि अन्य किस्मों से अधिक है। आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह की किस्में बनाने का यही उद्देश्य है कि इसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाए, पानी के प्रति भी प्रतिरोधी, यानी कि पानी कम पानी हो वहां भी इस तरह की फसल हो गई और इसमें पोषक तत्वों का मतलब एक तरह से भरपूर हो, इस तरह की फसलें तैयार की जा रही हैं। तो इसमें आप देख तो रहे हैं सब कुछ है, ये अपने आप में एक प्रतिरोधी फसल भी है, एक आप कह सकते हैं कि इसमें कम समय भी लगता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्पादन क्षमता भी इसकी अधिक है, इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो लगभग हर तरह से संभव है। तो इससे जाना क्या चाहिए आप लोगों को, शोध संबंधी बात करें तो गेहूं की इस किस्म का पर एक शोध पत्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करेंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस में प्रकाशित हुआ है। तो ये है आपकी MACS
CS 6478। अगर आप कहीं आपके आसपास किसान रहते हो तो उन्हें भी इस तरह की सलाह देते रहा करिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है।